सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किए हैं जो रिडंडेंट अप्रासंगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए बने हुए थे। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। एक अमित शाह जी ने मुझे स्वयं बताया था कि जब वो गृह मंत्री बने गुजरात के, तो जानते क्या था, 1965 की लड़ाई के समय गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ, तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुब्बारा नहीं आया। अरे भैया, सैटेलाइट का जमाना आ गया और गुब्बारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था। ऐसे एब्सर्ड रूल्स को हटाने का काम किया, यह हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब जो इन्होंने बोला, अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं, बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा यह हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा। हमारी सरकार आने से पहले हमारा ग्लोबल GDP में 2.4% का हिस्सा था, अब 9% से ऊपर का। और इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं। सुनिए, जब मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, जब हमारी सरकार आई तो हम सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है, दूसरे नंबर पर, अब नंबर वन पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे, आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं। वो बनाने वाले कोई थोड़ी है, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। 37 किलोमीटर पर डे अगर रोड बन रही है तो ये भी कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा है, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे। 3.5 करोड़ मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास, वो भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे, उसके लिए भी ऐसी क्या जरूरत थी। कार मैन्युफैक्चरिंग में आज 7.5 करोड़ परिवार भारत के ऐसे इनके पास कार हो गया, वो कार भी किसी ने आके हवा में बना दी होगी। इसलिए, और इन्होंने कहा विदेशी कंपनियां चली गई, बिल्कुल, अरे हमारी देशी कंपनियां अब उस लेवल पे आई, महिंद्रा एंड टाटा, टाटा ने आर्सेलर को खरीद लिया, दुनिया की टॉप की कंपनियों में से एक आर्सेलर को खरीद लिया। अब ये कहते हैं चीन के अतिक्रमण की बात, अब जिनके दिमागों के ऊपर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अब उसके लिए क्या करें। चाइना को हमने, अब ये लोग ये बहुत सेंटेंस बोलते हैं, चाइना को हमने, चाइना के सी जिनपिंग को झूला झुलाया था, बताएं कैसा झूला झुलाया उन्होंने। आज मैं पूछूं चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े हैं, सिर्फ दो, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया, वो झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। और इन्होंने कहा बदलाव आया, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं आपसे पूछता हूं 2014 से पहले देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र, चंडीगढ़ में धमाके, दिल्ली में धमाके, बंबई में धमाके, पुणे, नासिक, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सी ऐसी जगह थी, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, पार्क पे जाइए तो लिखा है, बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, धमाका हो सकता। और उसके बाद 26/11 के हमले के 9 महीने बाद शर्मल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है, यानी हम मान लेते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। और क्या कहते हैं, आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। यह शर्मल शेख July 2009, 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है 26/11 के। और हमने क्या कहा, मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगी। और उससे यह बदलाव आया, और हमने हासिल क्या किया, हमने हासिल वो किया जो 1971 के समय में भी आपको सुनने में नहीं मिला होगा। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के सांसद ने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ को का कोट करते हुए, कि शाह महमूद कुरैशी साहब देन फॉरेन मिनिस्टर आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये पैर कांपते तो किसी ने भी नहीं सुने था। भूगोल हाँ बदला था, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रस्ताव पारित करके, भारत के 3 टुकड़े हुए थे, मतलब उस समय 2 ही टुकड़े थे, ये AICC के रेजोल्यूशन में पास हुआ। और मैं ईमानदारी की बात मानता हूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी मैं मानता हूं कांग्रेस सरकार ने शुरू की, और वो एक अच्छा कदम था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिससे देश आगे बढ़ा। मगर उस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद उनको AICC में उनका शव तक नहीं रखा गया। और तीसरी बात अंत में कह दूं, इन्होंने बात कही जय जवान जय किसान, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी ने शानदार काम किया, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ शुरू हुआ। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, इसे सिर्फ संयोग माने या कोई रहस्य था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा, दोनों की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई, और रहस्यमय तरीके से, और दोनों में से किसी चीज की जांच नहीं हुई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो परिवर्तन किए हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है। अब भारत एक समृद्धशाली, मजबूत, स्वाभिमानी, गौरवशाली राष्ट्र है, जिसमें इतना बित्ते भर का भी विदेशी प्रभाव नहीं। खतरनाक होता है,
जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। आपको मैं बताती हूं, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली, निकालिए अपने अपने फोन। अभी पिछले दो हफ्तों में रजौरी में और पुंज में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान रजौरी में और 5 पुंज में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। आपको क्या लगता है, आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है तो वो बंद हो जाएगा? उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? आप मौन क्यों हैं? 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले दो हफ्तों में, 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गलबहिया कर रहे हैं, झूला झूल रहे चीन के साथ, साबरमती में बैठ के शहनाई सुन रहे हैं, ये बात करेंगे चीन पर? 18 बार प्रधानमंत्री चीन में गए, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है, तो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? यह सवाल मैं पूछती हूं, यह सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की शहादत हुई है। इन्होंने कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले, मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए, एक महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूं, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूं, बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था, आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर, ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर? ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता।